videos, subscribe and like. देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष और फूलपुर के नगर अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं नगर अध्यक्ष जी का क्या कहना है। तो दिनेश शर्मा जी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, हम सब लोग उनके स्वागत के लिए। मंडल अध्यक्ष जिंदाबाद, मंडल अध्यक्ष जिंदाबाद। के सभी लोग बहुत खुश हैं कि हमारे मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हमारे बीच आ रहे हैं। धरती तो स्वागत है। इस बार के कितनी सीटों का फैसला है? 300 से ऊपर सीटें जीत रहे हैं। जो सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी के विकास की गंगा चारों तरफ बह रही है। सन 2014 में प्रथम बार देश के प्रधानमंत्री के देश के शौचालय बनाए हैं घर में। तमाम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड के 5 लाख रुपए फ्री सरकार ने भारतीय जनता पार्टी का काम किया। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है वर्तमान भाजपा के टिकट पर दावेदार वर्तमान विधायक बाबूराम पासवान जी। जाने के तो इस बार किसी सीटों का फैसला नहीं है। पूरी जनता कह रही है कि 300 के पार हो जाएगा अकड़ा। तो किन कार्यों को लेकर आप जनता के बीच में वोट की? सबका साथ सबका। किन किन कार्यों को लेकर आज जनता के बीच में? ऐसा कोई कार्य बचा नहीं जो जनता के बीच में नहीं किया है ना। सब कार्य हुए, आर्थिक जो लाभ से वंचित थे आखिरी पायदान पर लोग, उन सब तक पूरा पूरा लाभ गया है। शौचालय से लेकर उनके निःशुल्क अन्नधन तक सारे विकास कार्य इतने हुए हैं कि जनता खुद आज योगी मोदी के नाम से वोट दे रही है भारतीय जनता पार्टी। नौजवानों और किसानों के नौजवानों कहना है कि रोजगार की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो इसलिए आपकी सरकार क्या कर रही है? जितने बेरोजगार को रोजगार जो मिला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इतना कभी किसी ने दिया नहीं। और सब में पारदर्शिता हुई, किसी सरकारों में आपने देखा किसी जात विशेष को जो रोजगार दिए गए? आज बिल्कुल ऐसे गरीब गरीब लोगों को रोजगार मिला, चाहे पुलिस की भर्ती हो चाहे कोई भर्ती हो। सब लोग ये चाहते हैं कि हमको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बगैर घूस के बगैर पैसे के रोजगार मिला है। मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। कैसा लग रहा है दिनेश शर्मा जी आ रहे हैं? दिनेश शर्मा जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के जो हमारे विधायक हैं बाबूराम जी, उनको पुनः दोबारा विधायक बनाने के लिए चिंता मत बना चुकी है और बहुत भारी अंतर से जीता है। जय श्री राम, जय श्री राम। किसानों के सम्मान के लिए जो निधि दी जा रही है, गांव-गांव एक एक मोबाइल वाला सरकार ने किया है, आवास देने का महाजनों को भी बता रहे हैं कि किसान तो बहुत ही ज्यादा आक्रोश में, किसान आक्रोश में नहीं है।